नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नुपुर शर्मा के बयान पर पटना और आरा में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, भागलपुर में बाजार बंद। बिहार में कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, पटना और पश्चिम चंपारण में मिले 11 नए संक्रमित। बिहार में बाढ़ को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सभी डीएम को भेजा गया गाइडलाइन, छुट्टियां रद्द। एनआईटी पटना का नया सत्र जुलाई से पूरी तरह ऑफलाइन होगा, नए कैंपस में होगी कई सुविधाएं। 17 जुलाई से शुरू हो रहा है श्रावणी मेला, मंदिर के दोनों रूटों पर होगी लोहे की बैरिकेडिंग। राजगीर में 16 करोड़ की लागत से बन रहा इंटीग्रेटेड भवन, पर्यटकों को एक जगह इतनी सुविधाएं। बिहार में वैज्ञानिकों ने तैयार की धान की नई वैरायटी, किसान अब बेहद कम खर्च में अधिक फसल की कर सकेंगे उपज। राजद सुप्रीमो के जन्मदिन से लालू पाठशाला की शुरुआत करेंगे तेज प्रताप, पार्टी मनाएगी सामाजिक न्याय दिवस। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान के बाद बिहार में भी एक समुदाय विशेष के लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। राजधानी पटना सहित आरा, भागलपुर, बक्सर, सिवान और नवादा से नूपुर शर्मा के बयान पर विरोध प्रदर्शन की सूचना मिल रही है। इधर किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसको रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गयी थी। नूपुर शर्मा के द्वारा पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ की गयी टिप्पणी का असर शुक्रवार को भागलपुर में भी देखने को मिला। शहर के शाह मार्केट के दुकानों को जुम्मे की नमाज के बाद एक समुदाय के लोगों ने सभी दुकानों को बंद करवा दिया। इधर इस घटना पर खानका पीर दमाडिया साहब फाकरे आलम हसन ने बताया कि अब तक स्वयं उन्होंने या फिर किसी धर्म गुरुओं के द्वारा बंदी का आह्वान नहीं किया गया है। उनका कहना था कि किसी समुदाय के धर्म गुरु के ऊपर टिप्पणी करना सरासर निंदनीय है। बिहार में कोरोना वायरस ने फिर से अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। बिहार में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बीते एक सप्ताह के बीच रोजाना नए मरीज मिल रहे हैं। गुरुवार को पटना जिले में 7 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में एक ही परिवार के 4 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पटना में पाए गए कोरोना संक्रमितों में से 2 मरीज पीएमसीएच में हैं। इनमें एक महिला मरीज नेहरू नगर की है, जबकि दूसरी महिला मरीज मुजफ्फरपुर की निवासी है। इसे इलाज के लिए परिजन पीएमसीएच लेकर आए थे। इसके साथ ही पटना जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 52 हो गई। हालांकि 24 घंटे के अंदर 4 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। यहां बता दें कि एक दिन पूर्व जिले में 12 नए मरीज मिले थे। शहर में अधिकतर कोरोना मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री मुंबई से मिल रही है। यहां से आए अब तक 40 से अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। बिहार में अगले 3 माह बाढ़ का मौसम रहेगा। खासकर उत्तर बिहार में बाढ़ के कहर से हर बार जान माल की क्षति होती है। इस आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने बिहार के बाढ़ग्रस्त जिलों के सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने को कहा है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के अवकाश के आवेदन रद्द करने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों से बाढ़ के दौरान बीमारी से निपटने के लिए त्रिस्तरीय तैयारी करने को कहा है। इसके लिए विभाग की ओर से विस्तृत गाइडलाइन नए सिरे से जारी की गई है। सिविल सर्जनों को निर्देश है कि वे अभी से मेडिकल अफसर से लेकर पारामेडिक्स तक की प्रतिनियुक्ति चार्ट निर्धारित कर लें। अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में मीडिया को बताया है कि उत्तर बिहार के 15 जिले अति बाढ़ प्रवण हैं। बाढ़ के दौरान यहां जान माल की क्षति के साथ कई तरह की जलजनित बीमारियां भी फैलती है। उन बीमारियों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो महामारी की आशंका उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए जिले में बीमारी या महामारी रोकने के लिए अभी से त्रिस्तरीय व्यवस्था में करने को कहा गया है। इस संबंध में जिलों को गाइडलाइन भी भेजी गई है। एनआईटी पटना का नया सत्र जुलाई से पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में शुरू करने की तैयारी है। एनआईटी के डायरेक्टरेट प्रोफेसर पीके जैन ने बताया कि अब हम पूरी तरह ऑफलाइन मोड में आ चुके हैं। फिलहाल प्रथम वर्ष की परीक्षाएं चल रही है। हमारी कोशिश है कि जुलाई महीने से नए बैच का सत्र पूरी तरह से नियमित हो जाए। उन्होंने बताया कि एनआईटी पटना के नए कैंपस में कई सुविधाएं होंगी। सबसे खास होगी इसकी बिल्डिंग और साथ ही विद्यार्थियों, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रहने की व्यवस्था के अलावा नए कैंपस में पीएचडी के अभ्यर्थियों के लिए भी रहने की व्यवस्था होगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 700 छात्रों की कैपेसिटी का छात्रावास बनाया जाएगा। नए कैंपस में एक एडमिन ब्लॉक, लेक्चर थिएटर, लाइब्रेरी, डाटा सेंटर, छात्रावास, टॉजिंग हाउस, हेल्थ सेंटर, प्लेग्राउंड, सीटी के अंतर्गत रहने की व्यवस्था और रेसिडेंशियल क्वार्टर भी रहेगा। 17 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की प्रशासनिक तैयारी जोरों पर है। जिला व निगम प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त निरीक्षण के बाद बाबा नगरी व कांवरिया पथ का निर्माण कराने से लेकर बैरिकेडिंग
तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इसमें सबसे ज्यादा काम नगर निगम को मिला है। नगर निगम को बाबा गरीबनाथ मंदिर से पूरब मक्खन शाह चौक से हनुमान मंदिर एवं बाबा गरीबनाथ मंदिर से पश्चिम गांधी चौक तक दो लाइनों में लोहे की पाइप की मजबूत बैरिकेडिंग की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा साफ सफाई से लेकर पेयजल आपूर्ति एवं बाबा नगरी के आसपास 10 जगहों पर वाटर कूलर लगाने का काम नगर निगम करेगा। श्रद्धालुओं के रूटों के बिजली खम्भे को 7 फुट की ऊंचाई तक प्लास्टिक से कवर किया जाएगा। इधर नगर निगम ने श्रावणी मेले की प्रशासनिक तैयारी से संबंधित रिपोर्ट नगर विकास एवं आवास विभाग को भेज दी है। साथ ही मेले पर खर्च होने वाली राशि के लिए विशेष फंड की मांग भी की है। अनुमान है कि इस बार श्रावणी मेले की तैयारी पर करीब 1 करोड़ खर्च होंगे। बिहार के सबसे खास पर्यटन स्थल के तौर पर राजगीर लगातार नई चमक हासिल कर रहा है। अब राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप और रोपवे के आसपास पर्यटकों को एक और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यहां आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लिए इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण किया जा रहा है। राजगीर में दोनों रोपवे के बेस स्टेशन के पास इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण हो रहा है। पर्यटकों के लिए बनाए जाने वाले इंटीग्रेटेड भवन में एक ही जगह शॉपिंग से लेकर खाने पीने तक की सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। इंटीग्रेटेड भवन में पर्यटकों के लिए दुकानें, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट आदि की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही लिफ्ट, महिला व पुरुष शौचालय, पार्किंग व रैंप आदि की सुविधाएं भी दी जाएंगी। बिहार में अब धान की नई वैरायटी खोजी गई है, जिसे उपजाने के लिए किसानों को खेत में कम पानी और खाद की जरूरत होगी। इसकी खोज भागलपुर जिला के खबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में की गई है। यह धान 140 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा और बेहद कम खर्चे में किसानों को इससे अधिक लाभ मिल सकेगा। यह फसल कई बीमारियों के प्रकोप से मुक्त रहेगा। इसे अगले साल राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में सबौर मंसूरी की खोज की गई है। यह एक अलग किस्म की धान है। इस धान को उपजाने के लिए किसानों को आम धान की तरह अधिक पानी और खाद की जरूरत नहीं होगी। ये कम पानी और कम खाद की खपत के साथ तैयार हो जाएगा। इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर 60 से 70 क्विंटल हो सकेगा, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। कम खर्च के साथ अधिक धान की प्राप्ति किसानों के लिए लाभदायक होगा। सबौर मंसूरी पौधे करीब 100 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और बुआई के बाद 140 दिनों के अंदर पककर तैयार हो जाते हैं। इसके दाने का रंग गोल्डन और नाटा मंसूरी जैसा होता है। एक पौधे में 20 से 25 कल्ले होते हैं। एक बाली में 250 से अधिक भरे हुए दाने मिलते हैं। इस धान की खासियत यह है कि इसके पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर है। यह कई रोगों से मुक्त रहता है। इसका तना कीटों के लिए सहनशील है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिन सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 11 जून यानी कि आज लालू प्रसाद के जन्मदिवस पर उनके बड़े बेटे और हसनपुर के विधायक तेज प्रताप लालू पाठशाला की शुरुआत करने जा रहे हैं। तेज प्रताप ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि लालू प्रसाद के जन्मदिवस पर वह लालू पाठशाला की शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज के ही दिन वह पाठशाला का शिलान्यास भी करेंगे। तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट में बताया है कि लालू पाठशाला खोलने की उन्हें नालंदा के सोनू को देखकर मिली है। उन्होंने लिखा है कि नालंदा का वायरल बॉय सोनू, जिसने पूरे बिहार के भ्रष्ट सिस्टम का फोल खोल दिया है। न जाने ऐसे कितने सोनू शिक्षा से वंचित हैं। बिहार का कोई गरीब इस भ्रष्ट सिस्टम के कारण शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए लालू पाठशाला की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तेज प्रताप के इस ट्वीट को लोग बड़ी संख्या में लाइक और रिट्वीट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कमेंट भी कर रहे हैं। इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के तौर पर मनाने का लेटर प्रदेश राजद कार्यालय ने जारी कर दिया है। यह लेटर सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को जारी किया गया है। बिहार के किशनगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति में कई अनियमितताओं का पता चला है। बिना ओरिजिनल कागजात के जांच के ही अभ्यर्थियों की बहाली कर ली गई है। नतीजा यह निकला कि एक ही अभ्यर्थी को दो प्रखंड में बहाली हो गई है। मामला दीघल बैंक और किशनगंज प्रखंड से जुड़ा बताया जाता है। इन दोनों प्रखंडों में शारीरिक शिक्षकों की विगत दिनों हुई बहाली में अभ्यर्थी सद्दाम हुसैन को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। मामला का खुलासा तब हुआ जब किशनगंज जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध जिले के सभी सातों
प्रखंडों के चयन सूची को देखा गया। बताते चले कि मूल रूप से बंगाल के हरिचंद्रपुर निवासी सद्दाम हुसैन ने बंगाल बोर्ड से सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा 2007 में पास की, जिसके बाद बिहार बोर्ड की शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षक क्षमता परीक्षा 2019 में पास की। इसके बाद सूबे में ही हो रही शारीरिक शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन दिया और इनका चयन दो दो प्रखंडों में एक साथ हो गया। इसके बाद इन्होंने दोनों प्रखंडों में एक साथ काउंसलिंग भी करवा ली। यूनिसेफ ने बाढ़ के समय सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पीएचईडी, जीविका और सहयोगी सामाजिक संगठनों को फ्लड रिस्पांस सपोर्ट किट की 61 यूनिट सौंपी है। प्रत्येक यूनिट एक घंटे में 700 लीटर बाढ़ के गंदे पानी साफ कर सकती है। इसकी मदद से अत्यधिक दूषित बाढ़ के पानी को तुरंत शुद्ध कर पेयजल बनाया जा सकता है। इससे बाढ़ के दौरान पीने योग्य पानी मिलेगा। ये बात शनिवार को पीएचईडी और जीविका के सहयोग से यूनिसेफ द्वारा शनिवार को फ्लड रिस्पांस सपोर्ट किट की प्रदर्शन सह प्रशिक्षण कार्यालय में कही गई। आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया था। कार्यशाला में पीएचईडी के अभियंता, जीविका के सीएलएफ अध्यक्ष व जिला कार्यक्रम प्रबंधक के साथ साथ यूनिसेफ के आपदा न्यूनीकरण एवं वास टीम के अधिकारियों समेत लगभग 125 लोग शामिल हुए। मौके पर यूनिसेफ की बिहार प्रमुख नफीसा बिनते शफीक ने कहा कि बाढ़ के दौरान खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए पेयजल और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। मौके पर उन्होंने यूनिसेफ द्वारा खरीदे गए 61 फ्लड रिस्पांस सपोर्ट किट को पीएचईडी, जीविका और सहयोगी सामाजिक संगठनों अधिकारियों को सौंपा। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।